लहसुन जिसको हर भारतीय रसोई में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन व्यंजनों का जायका तो बढ़ाता ही है, इसके अलावा इसमें कई औषधीय गुण छुपे हुए हैं। लहसुन की चाय बनाकर पीने से कैंसर को भी मात दी जा सकती है, जिसकी वजह से इसका नियमित तौर पर सेवन करना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर की गृह विज्ञान की वैज्ञानिक डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि लहसुन में विटामिन B3, विटामिन C, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉलेट और नियासिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इतना ही नहीं, लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको रोगाणुनाशक भी कहा जाता है। डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि लहसुन की 3 से 4 कली का रोजाना सेवन किया जाए तो ये दिल और दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के दर्द में भी राहत देता है। इतना ही नहीं, अगर नियमित तौर पर इसका सेवन किया जाए तो ये अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी से भी बचाता है। लहसुन को वैसे तो सब्जियों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लहसुन की कली को अच्छे से पीसकर चाय में मिलाकर लहसुन की चाय बनाकर पी जाए तो ये कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से लड़ने में मददगार होता है। इतना ही नहीं, इससे पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। लहसुन को सब्जियों में मसाले के तौर पर या अचार बनाकर खाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसको कच्चा या फिर भूनकर भी खा सकते हैं। सहायापुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। लहसुन को हम अक्सर मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। लहसुन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट, नियासिन, विटामिन B3 ये सब बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और लहसुन की खासियत ये है, ये रोगाणु नाशक होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो लहसुन हमारे हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, मांसपेशियों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यदि हम लहसुन का प्रयोग करते हैं तो हृदय रोगों से भी बच सकते हैं। ये हमें जो है अल्जाइमर और डिमेंशिया से भी बचाता है। लहसुन को अक्सर हम मसाले के रूप में ही प्रयोग करते हैं सब्जी बनाने में। इसका हम अचार भी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं और इसको हम भूनकर या कच्चा भी खा सकते हैं। लेकिन कच्चा खाने से हो सकता है कुछ लोगों को इसका स्वाद अच्छा ना लगे, क्योंकि ये बहुत तीखा होता है और मुंह में जो है जलन पैदा करता है। तो अगर ऐसा है तो उसे पका करके भी खाया जा सकता है, इसको भून के भी खाया जा सकता है। यदि हम लहसुन को दूध के साथ पका करके खाएं तो ये हमारे मांसपेशियों के दर्द और जो हड्डियाँ का दर्द है या घुटनों का दर्द है उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यदि हम इसका प्रयोग चाय के साथ करें या चाय में इसको मिला करके इसका प्रयोग करें तो ये हमें कैंसर से भी बचाता है। इसमें जो है एंटी कैंसर गुण भी होते हैं, जो कि कैंसर से बचाने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। और ये लहसुन हमें हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन इसका हमें सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। हमें 3 से 4 फांक या कलियां लहसुन का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। इससे अधिक मात्रा में अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो हमें इससे पेट में दर्द हो सकता है और गले और पेट में जो है जलन भी इससे हो सकती है।